मैं किसी के तबीत को देख रहा हूँ, तबीत को, वो यहाँ पे मगर उसके तबीत बांधा हुआ है। मनदीप है और जिस सिस्टर वल्ला गांव के रहने वाले है, जिस सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है, जिस सिस्टर की गवाही जे जे बता रहे कि 15 साल से जिस सिस्टर ने एक कड़ा पहना था और वो कड़ा है जे वो कड़ा है जो इन्होंने पहना था। और इन्होंने बताया कि उस समय जब प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं थे करते और जे अपने संसार की धार्मिकता करते थे, और जिस समय इन्होंने जो कड़ा पहना था जो काफी बीमार रहते थे, और जिस सिस्टर सियाने तांत्रिक बाबों के पास गए और उन्होंने एक मंत्र कर इस कड़े के ऊपर इनको दिया कि जो आप बीमार रहते हो इसको पहन के रखना, आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 15 साल से इन्होंने इस कड़े को पहन कर रखा और जो बता रहे कि जो बीमार रहते थे इनको बुखार रहता था और भी काफ़ी बीमारियां थी उस समय इनको, और जो बता रहे कि काफ़ी ऐसे बेड पर भी थे जो वीक हो गए थे, काफ़ी कमज़ोर रहते थे। तो इन्होंने बताया कि फिर भी थोड़ी बहुत तो इस ये कड़ा पहनने के बाद प्रॉब्लम तो सही हो गई थी, पर पूरी तरह से जी सिस्टर अच्छे नहीं हुए। पर जैसे इनके पास प्रभु की गुड न्यूज़ पहुंची और जैसे जी प्रभु के गुड न्यूज़ इनके पास पहुंची, उन्होंने विश्वास किया। और जी सिस्टर 3 साल से यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आ रहे थे, पर फिर भी जी सिस्टर ने कड़ा तो पहन कर रखा था, परमेश्वर ने इनको अच्छा भी कर दिया था, पर इन्होंने उतारा ही नहीं इस कड़े को। और जी सिस्टर बता रही कि जैसे ही जी सिस्टर इस मीटिंग में आए, 9 जनवरी की मीटिंग में आए और प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे और प्रभु के दास के मुख से घोषणा हुई कि किसी ने तवीत को बांधा है। सबसे पहले हम वीडियो क्लिप को देखते हैं। मैं किसी के तवीत को देख रहा हूँ, तवीत को, वो यहाँ पे मगर उसके तबीत बांधा हुआ है। परमेश्वर से छुटाना चाहता है, उसे फ्री करना चाहता है। और जैसे जिस सिस्टर को याद आया कि जो वो तवीत का ऐसे पापाई के मुख से इन्होंने इस वर्ड को सुना, तो इनको याद आया कि जो कड़ा इन्होंने पहना है वो भी एक ऐसे ही तवीत के जैसे ही, क्योंकि वो भी इन्होंने ऐसे सियाने तांत्रिक बाबों के पास ही उसको मंत्र के जैसे करवा कर पहना था। तो इन्होंने बताया कि जो कुछ प्रॉब्लम इनके जीवन में अभी भी बनी थी, जैसे इनको गुस्सा क्रोध बहुत ज़्यादा आता था, इनकी बॉडी में बुखार रहता था और 1 साल से जूरिए की प्रॉब्लम भी इनको इनकी बॉडी में आ गई थी। और इनको याद आया कि हो सकता है जी प्रॉब्लम मेरी इसके कारण नहीं जा रही। और जैसे इन्होंने अपने मन को फिराया और इस वर्ड को रिसीव किया, और उसी दिन इन्होंने संगति में ही इस कड़े को उतार कर ऐसे अपने पर्स में रख लिया, और उसके बाद इन्होंने विश्वास किया कि आज के बाद मैं इस कड़े को बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे इस बंधनों से आज़ाद कर दिया है। और जिस सिस्टर ने उतार दिया, उसके बाद फिर इनके जीवन में 2-3 दिन हालात आ गया कि जी काफ़ी बीमार हो गए। बार बार इनका मन इनको दोष लगा रहा था कि आपने वो कड़ा उतार दिया, पर इन्होंने प्रार्थना की कि नहीं, मैं इस कड़े को बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी, क्योंकि जो वर्ड आए वो प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर ने उनको दिया है, सच में जो मेरे लिए है और मैं बिल्कुल अच्छी हो चुकी हूँ। ये एक सिर्फ अधिकार था जो मैं अभी तक उस बंदर में पड़ी हुई थी। और जैसे इन्होंने पहनकर उसको बाद बिल्कुल भी इन्होंने पहना नहीं और प्रार्थना में बने रहे, और 3-4 दिन हालात उनके बॉडी में रहा, पर प्रार्थना में बनने के बाद इन्होंने ऐसे विश्वास में बने। और जब बता रहे कि उसके बाद जैसे इन्होंने अपना मन परमेश्वर के ऊपर बनाया था, परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से उस हालात से बाहर कर दिया। और आज ये सिस्टर ने बताया कि जो पूरी तरह से बिल्कुल अच्छे हैं, अभी इनकी बॉडी में कोई बुखार नहीं है। जो इनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता था, घर में इनके शांति नहीं थी, आज परमेश्वर ने हर एक बंधन से इनको आज़ाद कर दिया है। और ये बहुत खुशी के सच में जो 15 साल से इन्होंने इस कड़े को पहना था और आज भी इस बंधन में थे, परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया। इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए।